गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 20 है जिसका शीर्षक है उठ गया किसान। देखो स्टार्ट करते हैं हम। नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, कि अभी क्या नहीं हुई है, सुबह नहीं हुई है पूरब की लाली पहचान की, यानी कि कब पता चलेगा, जब पूरब की तरफ से क्या निकलेगा, सूरज, वो भी कैसे रंग का, लाल रंग का। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, कि चिड़ियों, जब तक चिड़िया जगी नहीं उससे पहले कौन उठ गया, किसान उठ गया अपनी चारपाई छोड़कर। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, कि उनको चारा पानी खिलाकर कहाँ पे ले चला, खेत पर उनको काम के लिए। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी है उसको आराम हराम, कि कभी उसको त्योहार मिलने को, त्योहार मनाने को नहीं मिलता, कभी उसे छुट्टी नहीं मिलता, उसका आराम हराम है, उसको कभी मतलब आराम नहीं मिलता। गरम गरम लू चलती सनसन धरती जलती तवा समान, कि गरम गरम क्या चल रही है, लूए चल रही है, गरम हवाएं चल रही है, धरती जलती तवा समान, कि जैसे तवा जलता है उससे धरती जल रही है। तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान, कि बिना आराम किए फिर भी क्या करता है किसान, खेत पे काम करता है। बादल गरज रहे गड़गड़ बिजली चमक रही चमचम, कि बादल कैसे गरज रहे हैं गड़गड़, कि बादल कैसी आवाज करते हैं गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता न लेता दम, कि इस ऐसे मौसम में भी वो दम नहीं लेता, सांस नहीं लेता, फिर भी काम करता रहता है। हाथ पांव ठिठुर जाते हैं घर से बाहर निकले कौन, कि ठंड के मौसम में क्या हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं ठंड की वजह से, और घर से बाहर कौन निकलता है, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन, कि फिर भी वह चुपचाप आग जलाकर अपने खेतों की रखवाली करता रहता है। है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, कि उसको आराम पता ही नहीं है नहीं है, करता रहता हरदम काम, कि हमेशा काम ही करता रहता है, उसे आराम है ही नहीं। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम, कि वह कभी नहीं सोचता कि मैं घर पे रह के आराम करूं। ओके, अब करते हैं हम अपनी अभ्यास। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। चिड़ियों के जगने से पहले कौन उठ जाता है, किसान। गर्मी में चलने वाली गर्म गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। धरती किसके समान जलती है, तवा के समान। किसान कभी भी क्या करने की नहीं सोचता, आराम करने की। बादलों के गरजने की ध्वनि कैसी होती है, गड़गड़। फिर है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया ऐसे ही आप बाकी के खुद फिल करेंगे। फिर है कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखना है, कि यहाँ पे आपको जैसे मैंने हिंदी बताई है ऐसे आपको हिंदी लिखनी है यहाँ पे। जैसे गरम गरम लू चलती सनसन, की गर्मी में कैसी हवाएं चलती है, कैसी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, धरती जलती तवा समान, और धरती कैसे चलती है, तवे के समान। तब भी करता वह काम खेत पर, कि जब भी वो काम करता रहता है खेत में, ऐसे आपको हिंदी लिखनी है यहाँ पे। फिर है कविता की वे पंक्तियां लिखी है जिनमें चिड़ियों से पहले किसान के उठने की बात कही गई है, तो कैसे कही गई है, वो चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने आपको। जैसे सवेरा का विलोम शब्द क्या होता है, शाम। गर्म का, ठंडा। ओके, जागना, सोना, उनका विलोम शब्द लिखने हैं। ओके, फिर दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए, यानी कि उनके समान शब्द, धरती, धरा, पृथ्वी, भू। ओके, फिर वर्णों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाइए, जैसे पूबर, कोई सेंस नहीं बन रही इसकी, तो हम इसको सही क्रम में रखकर बनाएंगे इसे, इसका बनेगा पूरब, पूरब। ठीक है, फिर हराम, नेक्स्ट सवेरा। ओके, ऐसे ही ये आपको सारे बनाने हैं। अब हम करते हैं व्याकरण का हमारा पाठ 16। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन, कि हम पत्र कैसे लिखते हैं। ओके, पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे घरेलू पत्र, व्यापारिक पत्र आदि। पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पत्र में यथास्थान पता, कि उसका जैसा पता है वैसा ही लिखना चाहिए। आदर सूचक शब्द, संबोधन शब्द दिए जाने चाहिए। पत्र को कई भागों में बांट लेना चाहिए, और अंत में विशेषण, जैसे आपका पुत्र, भव्य आदि लिखना चाहिए। तो ये सब शब्द हम यूज करेंगे। जैसे देखो, एक पत्र मैं आपको पढ़ा के दिखा देती हूँ। जैसे देखो, प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र, कि जैसे स्कूल से हमें प्रमाण पत्र लेना है, तो उसके लिए हम प्रधानाचार्य को क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र। तो कैसे लिखते हैं हम, जैसे सेवा में
उप आयुक्त दिल्ली महोदय, मैं अनुसूचित जाति का एक नवयुवक हूँ। मैं लिपिक पद के लिए आकाशवाणी कार्यालय दिल्ली में अपना प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ। यह पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसके लिए निदेशक आकाशवाणी दिल्ली ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मांगा है। ओके, आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे उक्त आशय का प्रमाण पत्र दिया जाए, आपकी अति कृपा होगी। फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है, प्रार्थी उसका नाम और उसका पता और डेट। ओके, अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी होमवर्क शीट नंबर 12 है, विषय है हिंदी, कक्षा तीसरी के लिए है और दिन है मंगलवार। तो देखो आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखने हैं, इधर शब्द लिखे हुए उनके आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे मैं लिखा हुआ है सवेरा का अर्थ क्या होता है, सुबह, लालिका लाल रंग, खाट चारपाई, हराम आराम न हो पाना, लू गर्मी में चलने वाली हवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न उत्तर लिखो, किसान कब सोकर उठता है, किसान कब सोकर उठता है, चिड़ियों के जगने से पहले। फिर किसान बैलों को लेकर कहाँ जाता है, कहाँ पर जाता है वो, खेतों में काम करने, लू कब चलती है, गर्मियों में। बिना आराम किए किसान खेतों पर क्या करता है, काम करता है। सर्दी में किसान अपने खेतों की रखवाली कैसे करता है, आग जलाकर। फिर है आपका बीमारी के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेवा में, इधर क्या आएगा, सेवा में और पीछे कोमा। फिर श्रीमती प्रधानाचार्य जी, फिर कापस अध्ययन पब्लिक स्कूल आएगा, श्रीमती प्रधानाचार्य के बाद आपका आएगा अध्ययन पब्लिक स्कूल, यहाँ पे कोमा, फिर कापसेरा। ओके, फिर हमारी दिनांक, आज की हमारी दिनांक है 18/1/2022। फिर आएगा यहाँ पे महोदया, महोदया निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार, यहाँ पे क्या आएगा, बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने क्या करने की उसको सलाह दी है, 3 दिन का आराम करने की सलाह दी है। अतः मुझे 18/1/2022 से 20/1/2022 तक छुट्टी देने की कृपा करें, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या आएगा, स धन्यवाद, लास्ट में हम क्या बोलते हैं, स धन्यवाद। यहाँ पे क्या आएगा, अगर लड़के लिखते हैं तो आज्ञाकारी, ओके, और अगर लड़कियां लिखती हैं तो आज्ञाकारिणी, लड़कों के लिए आज्ञाकारी शिष्या और लड़कियों के लिए आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपकी कक्षा, यहाँ पे रोल नंबर। ओके स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, थैंक यू।